आपका अपने YouTube चैनल डीजे मोंटी ब्लॉग्स। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अहूजा के 250 वाट एम्पलीफायर के बारे में। आप देख सकते हो ये अहूजा का 250 वाट का जो एम एम्पलीफायर एम सीरीज का, ये बहुत पहले आता था। आज की वीडियो में हम पूरा इसका स्पेसिफिकेशन बताएंगे, जानेंगे इसकी क्या क्या खासियत है। तो अभी जो है हमारे पास 250 वाट का एम्पलीफायर, ये है अहूजा का SSA 250M। इसके बाद में आपकी वीडियो में आपको आएगा 120 वाट और उसके बाद आएगा 100 वाट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा और ये सारे जो मैं आपको एम्पलीफायर्स बताऊंगा ये हॉर्न के लिए काफ़ी यूज़ कर सकते, जो हम यूनिट्स लगाते हैं हमारे। इसके बाद में जो सीरीज़ आई थी वो आई थी SSA 250 DP, और अभी जो चल रहा है वो SM सीरीज चल रहा है, जिसके अंदर आप देखते हो पेन ड्राइव वाला। ये सादा एम्पलीफायर है, ये काफ़ी पहले आता था एम्पलीफायर। तो वीडियो काफ़ी अच्छा होगा कि वीडियो में मैं अभी आपको इसका सिर्फ जो भी एम्पलीफायर्स वगैरह इसका मैं अभी स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ, और आने वाले टाइम में मैं इसके अंदर लाइट्स का और इसकी जो पूरी टेस्टिंग वगैरह होगी वो पूरा ब्लॉग लाने वाले, और जो हम पूरे जो कार्यक्रम में हमारा जो सेटअप होता है मैं पूरा सेटअप का उसका भी ब्लॉग लेकर आऊँगा। तो आप चैनल को जो है सपोर्ट कीजिए, चैनल को अच्छे से लाइक का बटन दबाइए, और आपका कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि आप किस टाइप की वीडियोस चाहते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो इस पे हमारा मोबाइल नंबर अपडेट लिखा हुआ है, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो दोस्तों ये है इसका फ्रंट व्यू, हम देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर क्या है। इसके अंदर सबसे पहले है माइक का वॉल्यूम, इसके नीचे माइक लगा सकते हैं, ये टोटल है 6, 1 2 3 4 5 6। और इसके अंदर जो ये OX1 और OX2 का है, ये हम अगर इसको ये स्विच को अगर इधर करेंगे तो ये माइक पे हो जाएगा, इस स्विच को अगर हम इधर करेंगे तो ये भी माइक पे हो जाएगा। तो ये सारे चैनल वर्क करने लगेंगे माइक पर। उसके बाद दोस्तों हमको मास्टर के यहाँ पे लेवल मिलेगा। देन उसके बाद हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पे हम बॉक्स स्पीकर, हम स्विच को इधर करेंगे तो जब स्पीकर लगाते तो हमको ये वाला स्विच इस तरफ करना पड़ता, तो यहाँ पर ग्रीन कलर का इंडिकेटर ऑन हो जाता। देन उसके बाद हमको ड्राइवर यूनिट, अगर हम यूनिट्स लगाते हैं तो ये ड्राइवर यूनिट्स का ऑप्शन दे के रखा है, हमको इसको इधर करना होता है और यहाँ से लाइट लाल कलर की LED ब्लिंक करेगी। देन उसके पड़ोस में बेस का नॉब, ट्रबल का नॉब, हम इसको यहाँ से दोनों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम बात करें तो अहूजा का ब्रांडिंग दिया हुआ है, उसके बाद रीसेट का ऑप्शन है और ओवरलोड का ऑप्शन है। देन इसके नीचे है पावर स्विच, हम इसको पावर, इसको हम आएगा ये पावर इसका यहाँ से आ जाए। ये है दोस्तों इसका बैक साइड व्यू। सबसे पहले हमको यहाँ देखने को मिलता है फ्यूज़ का ऑप्शन, अगर हमारे एम्पलीफायर में कुछ भी मिस्टेक होती है तो फ्यूज़ उसके यहाँ से उड़ जाता, जल जाता है। देन उसके नीचे हमको मिलेगी पावर कॉर्ड, ये पावर कॉर्ड है दोस्तों। उसके बाद हमको ये यहाँ से बैटरी से चलाने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से 24 वॉट DC बैटरी से। देन उसके बाद में हमको इधर एंटीना का स्विच मिलता है, जो कि हम अर्थिंग वगैरह इससे दे सकते हैं। देन उसके बाद में ये कॉमन, और ये हम जब भी बैटरी से अगर चलाते हैं तो उसके अंदर ये वर्क यूज़ होगा। देन उसके बाद में आपको यहाँ देखने को मिलेगा कॉमन 4 ohms और 8 ohms, ये हम इस पर स्पीकर्स भी चला सकते हैं और यूनिट भी चला सकते हैं। हम इसमें कोडिंग कर रखी है ब्लैक कलर के, उसमें हम इसको नेगेटिव और रेड कलर के उसमें इसको पॉजिटिव। देन इसके बाद में ओरिजिनलिटी का निशान होता है यहाँ पे, अहूजा रेडियोस मेड इन इंडिया, आप देख सकते हो इसके अंदर इसका मॉडल नंबर है। और इसके बाद अहूजा की यहाँ पे ब्रांडिंग दे रखी है अहूजा SSA 250M। देन इसके बाद लाइन आउट का ऑप्शन दे के रखा है, लाइन इन का ऑप्शन दे के रखा है। हम यहाँ से हमारे एम्पलीफायर से हम हमारे स्पीकर एम्पलीफायर से हमारे हम मिक्सर्स में आउटपुट दे सकते हैं। यहाँ पे प्रीएम आउट का ऑप्शन देकर रखा है, और यहाँ पर OX1 और OX2 का ऑप्शन देकर रखा हुआ। तो ये था पूरा अहूजा मशीन का बैक व्यू। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके अंदर हम क्या चला सकते हैं। तो हम इसके अंदर सबसे पहले 100 वाट के दो टॉप चला सकते हैं 250 वाट में, हम इसके अंदर 300 वाट तक का लोड दे सकते हैं, इसके अंदर 150 वाट के भी दो स्पीकर लगा सकते हैं, लेकिन 100 वाट सफिशियंट होगा। इसके बाद हम बात करने वाले कि हम इसके अंदर ड्राइवर यूनिट कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इतना आपको समझ में आएगा कि हम 250 वाट एम्पलीफायर में हम 100 वाट के या 150 वाट तक का हम इस पर लोड दे सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे यूनिट के बारे में। तो दोस्तों यूनिट हम इसके अंदर टोटल 8 यूनिट हम डाल सकते हैं 40-40 वाट की, और ये सारी होगी 2 ohms पे चलेगी। पीछे से हमको इसका 2 ohms पे इसका कनेक्शन करना होगा। दोस्तों इसके अंदर हम 6 यूनिट भी जोड़ सकते हैं, वो होगी 60 वॉट्स की। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।
press the bell icon.